नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। गुरुगद्दी दिवस पर डेरा अनुयायियों ने 18 जरूरतमंद परिवारों को बांटा राशन। नोएडा बाबा राम रहीम की शिक्षा पर चलते हुए गुरुगद्दी दिवस की खुशियों में नोएडा सेक्टर 10 डेरा प्रेमियों ने 18 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा। ब्लाक दास सत्येंद्र इंसा ने बताया कि आज के दिन पूज्य गुरुजी ने 23 सितंबर 1990 में शाह सतनाम जी ने गुरु गद्दी सौंपी थी। इसी खुशी में 18 जरूरतमंद परिवारों को एक माह का राशन बांटा। देखिए हमारे संवाददाता राजा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सत्येंद्र इंसा है। आज 18 परिवारों को राशन दिया गया है, जिसमें कि ये सारे असहाय मजदूर गरीब लोग थे, और जिनको हम दूसरे लोग कहते हैं वो असल में हकीकत ये है। हमें समझना है आज कि ये हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी हमारे ही लोग हैं। क्योंकि परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो ऐसा नहीं कि मतलब हम सारे परमात्मा की औलाद हैं, एक ही हमारा बाप है जो मालिक है, भगवान जिसको हम कहते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है, तो हम सब एक ही औलाद हैं। ये हमारे सारे बहन भाई हैं, तो इसीलिए हमने समाज में देखा कि यहाँ समस्या है। आपने राशन में क्या क्या चीज किया है कुछ बताना चाहेंगे आप? घर में राशन की हमें क्या जरूरत पड़ती है? आटा, दाल, चावल, मसाला, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दूध, सूखा दूध। दूध से मतलब कई लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई दूध कैसे ले सकते हैं ये रोजाना, ठीक है? तो सूखा दूध का जो डिब्बा आता है पाउडर का, वो दिया जाता है। आपने जो ये राशन वितरण किया, इसके अलावा कुछ और भी वर्क हो जो आप करते हैं? ऐसे जी, पूज्य गुरु जी ने 134 मानवता भलाई के कार्य चला रहे, और उस 134 मानवता भलाई के कार्यों में कोई भी कार्य जो सत्संगत को नजर आता है, यहाँ तक के अगर रोड पे कोई जानवर या कुत्ता, कोई पशु पक्षी भी अगर पड़ा हुआ होता है तो उसको सत्संगत उठाती है और साइड में गड्ढा खोद के और उसको दबाती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। कई बार कई हादसे ऐसे सुने गए हैं जो रास्ते में जो जानवर एक्सीडेंट के कारण या दब जाते हैं गाड़ियों से, तो उसमें वो मर जाते हैं, कुत्ते हो गए या और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो होता क्या है कि वो फिर दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट बचाने के लिए वो भी आप सेवा करते हुए उसे साइड में कर देते हैं? साइड में करते ही नहीं है, बल्कि गड्ढा खोद के साइड में सेफ्टी जगह देख के गड्ढा खोद के उसको दबाते हैं ताकि बदबू ना फैले, इससे किसी को इन्फेक्शन ना हो। लगभग ये काफी समय से आप ये जो कर रहे हैं, जो राशन वितरण का और भी मानव का भलाई के जो कार्य जो आप कर रहे हैं, जिसमें आपके लगभग काफी समय से जेल में है, और उसके बावजूद भी आपको प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? दृढ़ विश्वास तो ऐसा है जी, अगर आपने गुड़ खा लिया, अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई गुड़ नमकीन होता है, आप मानेंगे क्या? आप मानेंगे क्या कि गुड़ नमकीन होता है? आप बताइए, आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इसी तरह हम हैं, जब हमने उस राम नाम का रस चख लिया, हमें पता है कि हमारे पूज्य गुरु जी क्या हैं, तो फिर बस हमें दुनिया से इस बात दोबारा आपने जो राशि उपलक्ष्य में किया है, ये उपलक्ष्य है कि आज 23 सितंबर है, 1990 में शास्त्रनाम जी महाराज ने हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को गुरुगति बख्शी थी, और ये कहा था कि अब आप राम नाम का डंका बजाएं। तो हमें गुरु जी ने ये प्रेरणा दी कि आपने कभी भी कहीं भी
किसी देश में, प्रदेश में, नगर में, गांव में, मोहल्ले में, कहीं भी रहें, अगर आपके आसपास कोई भी लाचार, परेशान, मजबूर अगर व्यक्ति है तो उसका हर संभव यथासंभव मदद करें। तो आज के दिन 23 सितंबर को हम इसे महापर्व के रूप में मनाते हैं और इसलिए हमने 18 परिवारों को एक एक महीने का राशन दिया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और महाकोरोना की वजह से आज लोगों की नौकरियां छूट गई, धंधे हुए, रोजगार हो गए, कोई कंपनियां 10 दिन देती हैं फिर ब्रेक लगा देती हैं, घर में 4 बच्चे 6 बच्चे हैं, लोग परेशान हैं, कहते हैं क्या करें, मर जाएं, कैसे करें, तो हमें लगता है कि ऐसे लोग कुछ हैं तो हम उनको इकट्ठा करके उनको राशन वितरित कर देते हैं, क्योंकि भूखों के बिना तो मरो मत, बाकी तो मालिक जाते हैं। आप जो राशन वितरण करते हैं क्या ये डेरे की तरफ से आता है या फिर आप लोग खुद अपनी निजी कमाई से करते हैं? जब हम सब डेरे के हैं, हम सभी को नाम दे दिया, हमें सभी को ये शिक्षा दे दी गई कि आपको लाचार, मजबूर, परेशान को मदद करनी है तो हम भी तो दे रहे हैं, हमने भी तो कमाई करते हैं, हम अपनी कमाई में से अगर परिवार में परस्वार्थ में लगाते हैं तो हम भी तो दे रहे हैं। हमारा हर व्यक्ति जो नाम लिए है वो सभी दे रहा है, वो सभी किसी की मदद करेगा, उसके लिए डेरे में कोई खजाने नहीं भरे रखे जो जहाँ से हम उठा के ले आए और यहाँ वितरित कर दें। हम गवर्नमेंट नहीं, हम कोई टैक्स नहीं लेते, हम तो अपनी जेब से अपनी कमाई से लगाते हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मुद्दा परिवार सभी इंसा प्रेमियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करता है और दिखाता है। सभी से अनुरोध है कि कम से कम 200 लोगों को इस खबर के लिंक को शेयर करें और इंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाएं।